वैसे करोना महामारी जी पूरे वर्ल्ड के चल रही है, पूरा वर्ल्ड का सिस्टम जोड़ा है और ठप गया, और साढ़े वारीयर जोड़े ने डॉक्टर्स जोड़े ने साड़िया हेल्थ दीम जो साफ ने वो इस करोना महामारी के लड़ रहे हैं। तो दूसरे पास साढ़े अहम फार्मासिस्ट जोड़ा इस जो सा हेल्थ डिपार्टमेंट का हिस्सा वो स्ट्राइक पर बैठे। खबर गुरदासपुर तो है जिथे गुरदासपुर के पिछले 13 दिनों तो विभाग रैगूलर होने की मांग को लैके गुरदासपुर के जिला परिषद दफ्तर सामने रोस प्रदर्शन कर रहे रूलर फार्मेसी अफसर अज आम आदमी पार्टी के वालों समर्थन दे दिता गया। आम आदमी पार्टी के आगू ने कहा कि वह फार्मेसी अफसर की मांग को लैके विरोधी धिर के नेता हरपाल सिंह चीमा नाल भी गलबात करेंगे, इस मुख्यमंत्री तक लैके जाएंगे ता जो फार्मेसी अफसर की मंगों को पूरा करवाया जा सके। सानू जी तकरीबन 13 दिन हो गए ने इस जगह पर बैठे नूं, इत्थे ही नहीं पूरे पंजाब के जिन्हें जिला हैडक्वार्टर जिला परिषद दफ्तर ने साढ़े साथी जिहड़े उत्थे बैठे हुए ने, और बड़े अफसोस की गल है कि 13 दिनों के एक बारी भी सरकार साड़ी गल सुन नहीं आई। पिछले दिन असीं तृप्त रजिंदर सिंह बाजवा जी की कोठी नूं घिराओ करन की कोशिश की सी कादियां विखे, फिर साड़ी डीसी दफ्तर उन्होंने मीटिंग हुई सी और उस मीटिंग दे विच उन्होंने सानू चंडीगढ़ भी बुलाया, पर चंडीगढ़ बुला के भी सोना सानू खाली हाथ वापस मोड़िया। उन्हों का तर्क सी कि खजाना मंत्री साहब नाल तुहाडी मीटिंग करवानी आ, उन्होंने ही तुहाडे वास्ते पैसे जिहड़े मैनशन करने आ फिर असीं तुहानू रैगूलर करना, पर खजाना मंत्री साहब 3 वारी मीटिंग की कॉल दे के मुकर गए ने। अज 10 बजे भी मीटिंग सी, अज भी वह मीटिंग तो भज गए ने। यह सरकार साडा कुछ नहीं सोच रही, यह नहीं सोच रही कि 10,000 रुपये तो फार्मासिस्ट तो 4,500 रुपये तो साढ़े नाल बैठे क्लास 4 दर्जा 4 कर्मचारी जिन्हों की 150 रुपया दिहाड़ी बनती है, एड्डा वड्डा तशद्दद मानसिक तौर पर सड़ना कर रहे हैं, तो नाल जिहड़ा इकनोमिक तौर पर तो असी लुट्टे पुट्टे गए हैं, पर सानू मानसिक तौर पर बहुत परेशान किया जा रहा वा। मैनू लगता है कि जब अज साढ़े को आम आदमी पार्टी के नुमाइंदे पहुँच गए हैं तो सरकार के कन्ना ते जूं कुछ ना कुछ जरूर सरकेगी, क्योंकि सरकार नू कुछ ना कुछ खुरक होनी महसूस हो जाएगी। असी जी 2006 तो ही प्रोटेस्ट करते आ रहे, पहला कैप्टन सरकार वारी उदों भी सानू परचियां नाल नवाजिया गया सी, और अकाली सरकार ने कहा कि आउंदिया ही सुखबीर सिंह बादल को जो असी गए थे तो उन्होंने जांदे ही साडा हाथ फड़ के कहा भी हुण असी 3 महीनों में तुहानू रैगूलर कर रहे हैं, और 2007 की कई गल अज तक उन्होंने पूरी नहीं की, पूरे 10 साल जब तक उनकी सरकार रही है, और किया कि 12, 13, 14 परचे दर्ज कर दते। रूलर फार्मेसी ऑफिसर एसोसीएशन की तरफों जो धरना होया वो शामिल होया, मैं इन्हों का बहुत बहुत धन्यवाद किया करदा कि इन्होंने मैनू दर्शन करने का मौका दिता। बड़े दुख की गल है कि एक पासे करोना महामारी जी पूरे वर्ल्ड के चल रही है, पूरा वर्ल्ड का सिस्टम जोड़ा है वो ठप पिया, और साढ़े वारीयर जोड़े ने डॉक्टर्स जोड़े ने साड़िया हेल्थ दीम जो साफ ने वो इस करोना महामारी के लड़ रहे हैं। तो दूसरे पास साढ़े अहम फार्मासिस्ट जोड़ा इस जो सा हेल्थ डिपार्टमेंट का हिस्सा वो स्ट्राइक पर बैठे ने, यह साड़ी बहुत ही मंदभागी गल है, ये साड़ी सरकारां दी बहुत ही कमजोरी है, उन्हां दी नाकामी है। पे एक पासे इन्हां नूं असी करोना दे नाल जूझण नूं कह रहे हैं, वो करोना दे नाल जूझ भी रहे ने, ते दूसरे पासे वो अपनी सर्विस लई धरने ते बैठे ने। 14 साल हो गया इन्हां नूं जिहड़े आ भर्ती होया, 14 सालों तो इन्हां नूं रेगुलर नहीं कीता हैगा, 14 सालों ते बहुत कुछ चेंज हो जाता, 3 प्रमोशन मिल जांदियां ने, 5, 9, 14 दे हिसाब नाल 3 प्रमोशन मिल जांदियां ने, ते इन्हां नूं ते पक्कियां भी नहीं कीता हैगा। सो ये बहुत मंदभागी घटना हैगी, बहुत मंदभागी सोच है सरकारां दी, चाहे वह अकाली दल की सरकार है चाहे वह कांग्रेस की सरकार है। मैं पंजाब सरकार तो यह मंग करदा कि इन्हां दियां मंगां जिहड़ियां ने बिल्कुल जायज़ मंगां ने, मंग ही इन्हां दी हैगी कि जे काम कर रहे ने तो इन्हां रैगूलर क्यों नहीं कर रहे हैगे, 14 साल बहुत लंबा समा हुंदा हैगा, इन्हां नूं तो 2 सालों बाद रैगूलर कर लेना चाहिए सीगा। जे डॉक्टर 2011 दे विच रैगूलर करते हैं तो इन्हां नूं भी नाल ही रैगूलर करना चाहिए सीगा। आम आदमी पार्टी असी विरोधी धिर दे नेता हैगे आ, मैं हरपाल चीमा जी नाल गल करांगा, उन्होंने नोटिस दे विच भी हैगा, भगवंत मान जी दे जिहड़े साडे प्रधान ने उन्होंने नोटिस लियावांगे, और आम आदमी पार्टी इन्हां दे नाल चट्टान दे वांग खड़ी है, और जो जो भी इन्हां दी समस्या ने वो चीफ मिनिस्टर साहब नाल जरूर डिस्कस करांगे। कोई गल नहीं, जो जाके फिर काम कर दें कर लवेंगे तो खतरे चो जहाँ तो नौकरियां जाएगियाँ तो जहाँ पे कोई कानूनी तरीके ने कोर्ट के तरीके ने जोड़े कि थोड़े हक बड़े वजिए जा रहे हैं, पर वो सारे प्रोसीजर आप रंगला जी हुई बाल साहब सारे भी आए ने उसे ही साढ़े बड़े सत्कार जो डॉक्टर के जे सिंह जी जो कि धारीवाल फार्मासिस्ट
ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਸੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨਿਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਤੌਰ ਐੱਸ ਐੱਮ ਓ ਮੈਂ ਪਾਉਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਆਏ ਨੇ, ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਆਏ, ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵੀ ਆਏ ਔਰ ਪਲਾਸਟਰ ਵੀ ਆਏ। ਔਰ ਉਸ ਟਾਈਮ 3000 ਰੁਪਈਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਡਾਕਟਰ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਪਲਾਸਟਰ। ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨੰਬਰ 1 'ਤੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਿਹਨਤੀ ਹੈਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਮਿਹਨਤੀ ਹਾਰਡ ਵਰਕਿੰਗ ਹੈਗੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਰਲਡ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਾਡਾ ਹੱਕ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ। ਬਾਕੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਥੋੜ੍ਹੇ 4-5 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਮਾਯੂਸ ਜਿਹੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀਗੀ ਪੰਚਾਇਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰ ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜੀ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ, ਕਦੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਕਦੀ DC ਆਫਿਸ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਫ ਐਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੋਂ 10 ਸਟ੍ਰੀਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਇਕਬਾਲ ਵਾਲੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।